नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुरमई टाइम्स में। मैं हूं लक्षिका और चलिए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने की गर्भ में पल रहे बच्चे की सर्जरी, 90 सेकंड में ठीक किया अंगूर के आकार वाला दिल। कोरबा में कचरा संग्रहण केंद्र में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां, कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। उमेश पाल हत्याकांड, प्रयागराज के 3 नेताओं पर मिली भगत का शक, एक को अतीक ने किया था कॉल। भारत ने SCO सम्मेलन के लिए पाकिस्तान को भेजा न्योता, दिल्ली में होगी रक्षा मंत्रियों की बैठक। एक्टर सतीश कौशिक की मौत में एक नया मोड़, खून के नमूनों को FSL जांच के लिए भेजा। महाराष्ट्र में फिर दुगनी हुई कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में डबल केस, 2 की मौत। जबलपुर में ईडी ने पूर्व बिशप PC सिंह के ठिकानों पर मारा छापा, राजदार सुरेश जैकब समेत नागपुर, मुंबई और दिल्ली में भी कार्यवाही जारी। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 344 अंक टूटा, निफ्टी 17,000 से फिसला। उद्धव ठाकरे को एक और झटका, शिंदे गुट में शामिल होंगे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री दीपक सावंत। अंबिकापुर में राशन पानी को लेकर धरने पर बैठे रसोइया, कहा 300 रुपए की मानदेय वृद्धि स्वीकार नहीं। देश प्रदेश की खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए सुरमई टाइम्स के साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।